19 या 20 दिन 20 20 दिन बीच में एक बार वो होता है। हम लोग यहाँ पे A3 उपनिषद पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसमें इसमें सृष्टि कहाँ कैसे किस तरीके से हुई उसका वर्णन है। आपको ध्यान होगा पहले हम लोगों ने जो सुना था ईशोपनिषद में, केनोपनिषद में, हमारे वैष्णवगण ऐसे हैं जो मुख्य बात है उसे भूल जाते हैं। तो शास्त्रों में कहां से कैसे कौन से तत्व प्रकट हुए, भगवान का वो कौन सा स्वरूप है जिससे स्वरूप प्रकट हुआ। हमने निराकार के बारे में श्रवण किया था कि निराकार जो है वो है ब्रह्म, जिसका आकार नहीं है वो कौन है? ब्रह्म है। है वो कौन? है तत्व क्या? जब जिसका आकार ही नहीं है तो फिर हम उसे वो क्यों कहते हैं? वो है ना, वो तो तब बोला जाता जब कोई हो, जिसका आकार ही नहीं उसको फिर वो क्यों कहते हैं? सा शब्द उसके लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? सा का मतलब होता वह जो नजर आ रहा है सामने, वो देख वो है ना, तो वो बोला जाता तब जब कोई हो जिसका रूप ही नहीं है, निराकार है, जिसकी कोई विशेषता ही है, निर्विशेष है, जो कि निर्गुण है, गुणातीत है, उसके लिए वह शब्द क्यों आया जी? ये एक प्रश्न जागता है। कहते देखिए वो नहीं है उसका रूप ठीक, लेकिन प्रकाश उसका है, वो स्वयं प्रकाश है। जैसे इस वक्त आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मैं आपसे कहूं क्या मेरे चेहरे पे प्रकाश पड़ रहा है? तो आप कहेंगे हाँ जी, लेकिन आप नहीं देख सकते कि प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि आप प्रकाश को नहीं देख पा रहे जो मेरे ऊपर पड़ रहा है। मेरे पे पड़ने के बाद जो आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है वही सिर्फ नजर आ रहा है, लेकिन जो बीच में प्रकाश यहां तक पहुंच रहा है उस प्रकाश के पहुंचने की जो गति है उसे नहीं आप देख पा रहे, समझे नहीं? इसलिए उसे निराकार कहते हैं। लेकिन वह प्रकाश ऐसे ही नहीं है कि खाली प्रकाश है। तो अगर प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, बात समझने वाली है, ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर प्रकाश को कोई देख नहीं सकता तो फिर वह ब्रह्म को कोई देख सकता है क्या? अगर केवल प्रकाश मात्र है तो फिर क्यों कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार? बोलिए जी, जब प्रकाश की, ये जैसे प्रकाश इस वक्त यहां से मेरे पास में आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी होती है? प्रकाश की स्पीड कितनी, गति कितने कहते हैं? पर सेकंड है 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में पहुंच जाती। पृथ्वी को 6 बार चक्कर लगा दे, इतनी स्पीड है एक सेकंड में, यहां से यहां, यहां से यहां करने में कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर पहुंच गए? 300,000 किलोमीटर, इतनी स्पीड है। आपको ये पंखा नजर आ रहा है? इस पंखे के पर नजर आ रहे हैं? और ज्यादा तेज हो जाएगा तो सामने वाले पंखे के पर नजर आ रहे हैं, उसके सामने नजर आ रहा है ना क्लियर, वो पंखे के उधर भी नजर आ रहा है वो। हालांकि पंखे की स्पीड कितनी है? 1800
एक मिनट में 1800 चक्कर लगा रही है, एक मिनट में 1800 चक्कर लगा रहा है। अब एक मिनट में जो 1800 चक्कर लगा रहा है उसके परों को नहीं हम देख पा रहे, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाए। क्यों जी? सारी पृथ्वी कितनी गोलाई है पृथ्वी की? लगभग 50,000 किलोमीटर। कितनी है? लगभग उस पृथ्वी की पूरी गोलाई को 6 बार घुमा दें तब जाकर के बनता 3 लाख। इतनी स्पीड होने के नाते कोई भी व्यक्ति वो प्रकाश को देख सकता है जो प्रकाश जा रहा है उधर से? बोलिए, देख सकता है? नहीं देख सकता। इतनी स्पीड से जा रहा है, ना हम देख सकते ना हमारा मन देख सकता है। तो जब जिसे मन भी नहीं देख सकता, जिसे इंद्रियां भी नहीं देख सकती, उसको निराकारी तो कहेंगे। क्यों जी? प्रकाश को तो कोई नहीं देख सकता ना? कोई नहीं देख सकता। जैसे कोई वस्तु को अगर पढ़ रहा है इसलिए हमको दिख रहा है। हाँ, प्रकाश दिख ही नहीं रहा है ना। जी बिल्कुल, ये बात हम आज चिंतन करने वाले हैं। पहले श्लोकों का पाठ कर लें। हो तमाभ्य तपस्तस्या अभितप्तस्य मुखं निरभिद्यता यथांडं मुखवागवाचो अग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणवायुर्रक्षणी निरभिद्यात्मा इक्षभ्यां चक्षुश्चक्षु आदित्यकर्णो निरभिद्योता द्येतां कर्णाभ्यां श्रोतं श्रोता दिशस्त्वंगः निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधी वनस्पतयो हृदयं निरभिद्य हृदयान्मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निरभिद्यन्नाभ्या अपानो अपानोपानान् मृत्युशिशनं निरभिद्य शिशनाद रेतो रेतस आपह। एक श्लोक है ये, इतना बड़ा चतुर्थ श्लोक। ये कह रहे हैं वह जो हिरण्य गर्भ पुरुष है, पुरुष कहने का मतलब है जिससे सभी लोक प्रकट हुए हैं उन्हें पुरुष कहा गया है, और उस पुरुष का वर्णन करते हैं कि जो ये पुरुष है, ये पुरुष से उत्पन्न हुई सारी सृष्टि। पुरुष का मतलब आप मैं नहीं, उनका नाम है विराट पुरुष। क्या है? भौमा पुरुष। क्या है? ये चीजों को याद रखना, विराट भौमा। उनका एक नाम जो है हिरण्य गर्भ है। क्या है? वो जो हिरण्य गर्भ हैं, हिरण्य का मतलब क्या होता है? स्वर्ण। हिरण्य क्या होता है? जैसे ये लाइट में एक सोने की सी चमक आ रही, मतलब इस लाइट में पीलापन है, ठीक है। ऐसे ही जिसके प्रकाश में, प्रकाश जहाँ से निकल रहा है उसमें गोल्डन लाइट है। हमारे गोल्डन वॉल्केनो शब्द कहा है हमारे परम पूज्यपाद श्रीला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, उनका भी स्वर्णम
स्वर्ण आभार युक्त शरीर, राधा जी का भी तप्त कांचन गौरंगी, उनका भी जो है जैसे सोना तपता हुआ है उसके उसकी तरह चमकता हुआ। कहते जिनका गर्भ, गर्भ का मतलब हम लोग हमेशा पेट को ही देखते हैं, गर्भ का मतलब पेट नहीं होता है, गर्भ का मतलब भीतर, जिनके भीतर वह हिरण्य अर्थात वह दिव्य प्रभाव है, प्रकाश मंडल है, उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं। जिनसे सारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ। गर्भ शब्द बोलने से लोगों को पेट पे जाता है क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ और आते ही नहीं है। गर्भ मतलब भीतर, जैसे अभी ठाकुर जी का हम लोग कहते हैं ना गर्भगृह, गर्भ मंदिर, तो क्या भगवान का वो गर्भ है जो मंदिर है? नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए वो हिरण्य गर्भ जिन्हें कहा गया उन्हें, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया वो उनका तमह शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। परमात्मा ने तमह अर्थात उस हिरण्य गर्भ पुरुष को लक्ष्य करके अभ्यपत संकल्प रूप तप किया। परमात्मा ने उस हिरण्य गर्भ पुरुष को लक्ष्य करके संकल्प रूप तप किया। अभितप्तस्य उस तप से तपे हुए तस्य हिरण्यगर्भ के शरीर से यथा अंडम पहले अंडे की तरह फूटकर मुखम मुख छिद्र हुआ, निरभिद्य फिर मुख से वाणी से वाक, मुख से वाक इंद्रिय से अग्निदेव से नासिका, इन सब का वर्णन किया है। थोड़ा सा हम पहले सुन लेते हैं फिर इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। कहते हैं इस प्रकार हिरण्य गर्भ पुरुष को उत्पन्न करके, किसने उत्पन्न किया जी? दो दिन पहले सुना था, किसने उत्पन्न किया? हाँ जी, कौन अकेला था जब सृष्टि नहीं हुई थी? वह जो परमात्मा है, वो जो इच्छा मात्र करने से, इच्छा जिसने मात्र की, वो जो इच्छा जिसने की, वो इच्छा करने वाले परम पुरुष परमात्मा जो भी रहे हों का मतलब अभी इसमें नहीं बतलाया है कि वो कौन हैं, जो भी रहे हैं वो अन्य उपनिषदों में आएगा। इस उपनिषद में उनको डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं बोला गया कि ये नाम है, ये उनका रूप है, ऐसे वो दिखते हैं, ऐसा वर्णन इसमें नहीं। यहाँ सिर्फ यही कहा इदम एकम एवाग्र आसीत, ओम आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसीत ना अन्यत किंचित मिशित। सा इक्षत लोकान सृजा इति, ये पहला श्लोक था इस ऐत्रेय उपनिषद का, जिसमें कहा गया कि ये जो सारे का सारा प्रकट हुआ ये ओम से हुआ है अर्थात शब्द से हुआ है, क्योंकि जो शब्द जहाँ से आया है उसे कोई भी देख नहीं पाया कि ये शब्द कहाँ से आया, ठीक है ना? शब्द को देख नहीं पाया लेकिन वो शब्द हुआ और उस शब्द से वो शब्द कैसा हुआ? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। जहाँ से वो शब्द आया वहाँ से अनंत वैकुंठ, अनंत सब कुछ प्रकट हुए और उसके अंतर में फिर जो माया रूपी संसार को रचेगा वो एक विराट पुरुष प्रकट हुआ। वह जो विराट पुरुष है,
जिसके सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों बाहु हैं, सहस्त्रों उदर हैं, सहस्त्रों मुख हैं, वो जो प्रकट हुआ वो अनंत मुख वाले, अनंत पैरों वाले, अनंत हाथों वाले, उस अनंत स्वरूप में से यहां बतला रहे हैं उनमें से एक का, उनमें से एक के बारे में बतला रहे कि उनमें से एक जो है उससे क्या प्रकट हुआ। उस हिरण्यगर्भ पुरुष से उसने हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न किया। किसने किया? ओम ने, शब्द ने। वो शब्द ने नहीं किया, वास्तविकता में वो शब्द जिसका है उसने किया है, लेकिन इस उपनिषद में उसके बारे में नहीं बतलाया कि वो शब्द किसका है। बात को समझिएगा, वो शब्द किसका है ये किसी और उपनिषद के अंदर आया कि वो शब्द किसका है। लेकिन यदि इस उपनिषद को पढ़ने वाला व्यक्ति परमात्मा या परम पुरुष या अनंत ब्रह्मांड और वैकुंठों के अधिष्ठान स्वरूप किसी तत्व को देखेगा तो क्या देखेगा? कि वो कहां से उत्पन्न हुआ? सब कुछ शब्द से। इसीलिए जो कुछ एक संप्रदाय ऐसी हैं हमारे हिंदुस्तान की जो कि रूप नहीं मानती हैं ना गुण मानती हैं, वो इसी तरह की उपनिषदों को लेकर के चर्चा करती हैं, लेकिन नाम नहीं बोलते उपनिषदों का। उनका सिद्धांत, लाखों लाखों शिष्य उन लोगों के, वो कहते हैं सब कुछ प्रकट किससे हुआ? शब्द से। शब्द को सबसे ऊपर रखते हैं। पंजाब में बहुत उनके हजारों वो हैं, क्या बोलते हैं, स्थान है, डेरे हैं, डेरे, हजारों डेरे। उसमें क्या बोलते हैं? पांच शब्द, ज्योत, निरंजन, रारंग, सोहंग, सतनाम। वो जो नाम है वो सत्य है, वो ज्योत स्वरूप है। कैसी ज्योत स्वरूप है? थोड़ी लाली लाली, रारंग। रारंग कैसा है? कहते सोहंग, वो जो है वही तू है, तेरी ज्योत उस ज्योत से अलग नहीं है, इसलिए जो कुछ देख रहा है उन सब को भूल जा और अंत में अपनी ज्योत को उसमें, उस ज्योत में मिला दे। मतलब जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द है उस शब्द के पीछे इन लोगों को कोई ज्ञान है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते, प्रश्न भी नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने जो सब कुछ प्रकट हो रहा है वो प्रकट जहां से हो रहा है उसको कह रहे हैं पुरुष। क्या कह रहे हैं? और वह पुरुष को प्रकट करने वाला वो जो है ओम, अर्थात वह ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं। लेकिन वो शब्द ब्रह्म आ कहां से रहा है? जैसे अभी इस वक्त आपके पास में मेरी आवाज के अलावा कोई और आवाज आ रही है? आ रही है आपको आवाज कोई? क्या उनसे आ रही? ये जो बज रहा कौ जो कर रहे है तानपुरा, इसकी आवाज आ रही? सोचने वाली बात है, जब आप मुझे सुन रहे हो तो क्या वो सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही। जब आप उसे सुन रहे हो तो मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। हम जहां पे एकाग्र करते हैं बुद्धि, हमें वही दिखलाई देता है, उसके अलावा हमें कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। इसी प्रकार से शब्द जहां से आया है, शब्द जहां से आ रहा है, आप शब्द कहां से, कौन बोल रहा है, किधर से आ रहा है, अगर वहां ना जाना चाहें तो क्या आप जबरदस्ती उसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। आपका लक्ष्य केवल अगर मेरे मुख से निकलना है शब्द ही हैं, तो आपके अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है आप उसे देख नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। बात समझे? ठीक इसी प्रकार से इस उपनिषद के अंदर उस शब्द से उत्पन्न हुए विराट हिरण्य पुरुष को, हिरण्य गर्भ को प्रकट किया उस प्रणव ने, ठीक है। और वो रूप कैसा था, उसमें से क्या क्या कहां कहां से प्रकट हुआ, इसका वर्णन है। और वही शरीर जो विराट पुरुष का है, वही हमारे शरीर में भी वैसा ही कल्पना की गई है। क्या किया गया है? कल्पना। क्या किया गया है? कल्पना। याद रखना ये शब्द, कल्पना किया गया है। जैसा उनका उनका है वैसा हमारा कल्पना किया गया, जैसा उनका है वैसा ही हमारा है ये वाला पंचभौतिक शरीर।
तो वो कैसा है उसको हम जरा ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार हिरण्य गर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंग उपांगों को व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया, संकल्प रूप तप क्या होता है? संकल्प रूप तप होता है जैसे जैसे कोई मानो एक बच्चा जो है पेट में आया, वो क्या किस तरह से दिखाई दे रहा है? एक गोल सा एक अंडे की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वो अंडे की तरह जो दिखाई दे रहा है उसी को ध्यान किया, संकल्प किया कि भाई अब इसमें से सब अंग प्रत्यंग प्रकट हो, तो जब उसका ध्यान करता है जीव अंदर बैठा हुआ तो उसके अंग प्रत्यंग उसके धीरे धीरे आँख नाक मुंह कान पैर हाथ सब प्रकट होते हैं ना। इसी प्रकार से उस परम पुरुष परमात्मा ने क्या किया, जो वो हिरण्यगर्भ जो उनके द्वारा जो वो एक तरह से अंडे की तरह उत्पन्न हुआ अर्थात ज्ञान पुंज या प्रकाश पुंज जो प्रकट हुआ, उस प्रकाश पुंज को संकल्प किया देखा, वो देखना भी उनके लिए एक तरह से तप है। तप का मतलब हमारे लिए तप कष्ट है, उनके लिए तप का मतलब तपाना। जैसे अंडे को सहते हैं ना, अंडे को जो मुर्गी है या कोई भी चीज़ उसको गर्म करती, गर्म करने से तप कर रही मतलब उसे तपा रही है। तपाने से क्या होता है, उसके अंडे के अंदर जो है अंग प्रत्यंग बनने क्या हो जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा, जिस परमात्मा से शब्द उत्पन्न हुआ था, उस परमात्मा के द्वारा इच्छन करते हुए संकल्प करते हुए कि हाँ अब इसके अंदर जो है वो प्रकट हो, वो संकल्प रूपी तप, संकल्प के द्वारा उसे तपाया उस अंडे को, और उस अंडे को तपाने से क्या प्रकट हुआ वो देखिए। कहते हैं तब उस तप के फलस्वरूप हिरण्य गर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फटकर मुख छिद्र निकला। अंडे की भांति, अब हमारी दृष्टि में यहां अंडा ही आ रहा है ना। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि वो अंडा बंडा वहां कुछ नहीं है। अभी कैसे समझाऊं, यहां अंडे की भांति कहा गया क्यों हमारी समझ में नहीं आएगा बोल करके, जो समझ में आएगा उसी हिसाब से समझा रहे हैं। उसमें एक मुख प्रकट हुआ, मुंह, और जैसे ही फटकर मुख रूपी छिद्र निकला, छिद्र रूपी मुख हुआ, उस मुख में वाक इंद्रिय बोलने का जो जगह है वो, और उस वाक इंद्रिय में उसके अधिष्ठात्री जो देव हैं वो अग्नि उत्पन्न हुई। वाक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव कौन हैं? अग्नि, ये यहाँ पे कह रहे हैं अग्नि उत्पन्न हुई। फिर नासिका के दो छिद्र उत्पन्न हुए और उनके उनमें से प्राणवायु प्रकट हुआ, मुंह नाक। फिर घ्राण इंद्रिय, यहां घ्राण इंद्रिय का वर्णन अलग वर्णन नहीं है, अर्थात जो नाक हुआ उसी के साथ साथ घ्राण हुआ, अतः घ्राण इंद्रिय और उसके देवते अश्विनी कुमार द्वय नासिका से ही उत्पन्न हुए। अश्विनी कुमार द्वय कौन है? ये हैं वैद्य, स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमार द्वय, दो जो 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 आयुर्वेद के आदि कह सकते हैं वो उत्पन्न हुए, यो समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार रसना इंद्रिय और उसके देवता भी प्रकट हुए, रसन इंद्रिय जिह्वा और उसके देवता भी प्रकट हुए, और मुख से वाक इंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय और उसके देवता की उत्पत्ति हुई। ये समझ लेना चाहिए। फिर आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, फिर नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय से उनके देवता सूर्य उत्पन्न हुए,
फिर कानों के दो छिद्र निकले, उनमें से श्रोत इंद्रिय सुनने वाली इंद्रिय प्रकट हुई, और श्रोत इंद्रिय के जो देवता हैं दिशाएं, श्रोत इंद्रिय के देवता कौन से हैं, दिशाएं का मतलब अंतरिक्ष, वो प्रकट हुआ। उसके बाद त्वचा प्रकट हुई, त्वचा के बाद रोम प्रकट हुए, और जो रोम के ऊपर जो ये रोम है ना, ये रोम उसकी औषधियाँ बन गई। एक एक रोम जो है वनस्पतियाँ, औषधियाँ, पेड़ पौधे, ये सब उसके उत्पन्न हुए। अब आप यूँ समझ लीजिए, जो पृथ्वी है पूरी की पूरी, उसको एक विराट पुरुष की तरह समझ लें, और विराट पुरुष की तरह समझ के उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो उस विराट पुरुष के साथ कल्पना करेंगे। ठीक है, समझ आई? आगे क्या कहते हैं, फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय से मन, और मन से उसके अधिष्ठात्री देवता चंद्र प्रकट हुए। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि में अपान वायु, और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। देखिए, हृदय से क्या हुआ, नाभि, नाभि से अपान वायु। अपान वायु का मतलब होता है जो वायु धक्का देती है, पुश करती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने के लिए, बाहर की तरफ निकालने के लिए, जो हमारे खाने पीने को, जहाँ और भी जो भी चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए जो प्रेशर देती है, रोकना भी चाहे रोक नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं अपान वायु। क्या कहते हैं, अपान वायु। एक प्राण वायु होती जिसे हम लेते हैं, अगर हम किसी का मुंह बंद कर दें, अगर सांस ना लिया जाए तो मर जाएगा, होता है ना ऐसे, ऐसे ही अपान वायु है। अगर वो आया है, उसको रोका गया, तो बंदे की हालत ख़राब भी हो सकती, बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, जब उसको पूरा वेग आया है, उस समय रोक दिया जाए तो उस समय वो बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है अपान वायु के वेग में। ऐसे प्राणवायु का वेग होता है, इन दोनों को रोकना नहीं चाहिए। जब आए, श्वास की जरूरत है, श्वास लीजिए। तो कहते हैं अपान वायु से क्या उत्पन्न हुआ, अपान वायु ने नीचे की तरफ धक्का देने के लिए, निकालने के लिए प्रयास किया, उत्पन्न क्या हुआ, मृत्यु। अब आप कल्पना करके देखिए, पृथ्वी जहाँ ये ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ है, जितने भी 14 लोक हैं, ये 14 लोक जो प्रकट हुए, इसमें मृत्यु जो है, जहाँ मृत्यु लोक कहा गया है, वो मृत्यु लोक कौन सा है, पृथ्वी। तो अगर देखा जाए तो विराट पुरुष का हम कौन सा अंग हुए, गुदा। गुदा का मतलब होता है जिसमें से हम लोग टट्टी करते हैं, उसे कहते हैं गुदा इंद्रिय। उस गुदा इंद्रिय से मृत्यु प्रकट हुई। मृत्यु प्रकट हुई कहने का क्या अभिप्राय है, यहां जो कुछ भी होता है वो मृत ही होता है। क्या होता है, हम जो कुछ खाते हैं, खाने में से जो अमृत होता है वो तो हम लोग ले लेते हैं, शरीर उसे ग्रहण कर लेता है अमृत, लेकिन उसमें से जो मृत हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है शरीर के हिसाब से, शरीर के लिए, वो सब गुदा इंद्रिय से निकल जाता है। और नाभि की उत्पत्ति के साथ साथ गुदा छिद्र और गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति ही समझ लेना चाहिए, दोनों ही मलमूत्र के दोनों स्थान, उन्हें समझ लेना चाहिए। यहाँ अपान वायु मल त्याग के हेतु होने के कारण, उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यतः उसी का नाम लिया गया है। कहते हैं जो अपान वायु होती है हमारे नाभि में टिकी होती है। कई बार आप देखिएगा, ये बात समझने वाली है, किसी किसी की नाभि हिल जाती है, बड़े डॉक्टर इलाज करा लो, दर्द होता रहता है पेट में, बड़ा इलाज कराओ, जैसे खाता बंदा 2 नंबर जाता है। ऐसी हालत होती है ना कई लोगों की, आपके यहाँ भी थी किसी की पहले ऐसी, तो बाद में जब उसकी नाभि ठीक हो जाती है, मतलब नाभि में है ये अपान वायु, नाभि अपनी जगह से हिली तो सारा कांड शुरू हो गया। तो कहते हैं ये अपान वायु मल त्याग हेतु होने के कारण, उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यतः उसी का नाम लिया गया, परंतु मृत्यु अपान वायु
का अधिष्ठाता नहीं है। जो मृत्यु है वो अपान वायु का अधिष्ठाता देवता नहीं है, अपान वायु के द्वारा निकाला गया देवता है, निकला हुआ है, ठीक है। अतः उपलक्षण से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी इसके अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंग प्रकट हुआ, उस लिंग में से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ, यहाँ लिंग से उपस्थ इंद्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, ये बात समझ लेनी चाहिए। प्रजापति जहाँ पे प्रकट हुए हैं, जहाँ जन्म हुआ है, प्रजापति का मतलब जिसने प्रजा को पाल पैदा किया, जहाँ प्रजा का रक्षण किया, जहाँ प्रजा को पालन करने का जिसका भार है, वो प्रजापति। वो कहाँ से उत्पन्न हुए? वो जनन इंद्रिय से प्रकट हुए। इस प्रकार से पहला अध्याय, प्रथम अध्याय का प्रथम खंड जो है समाप्त होता है। ये जो आज हमने वर्णन सुना है, ये उस, मैं दोबारा से बता दूं, ये उस अनंत सृष्टि का शुरुआत किस प्रकार से, कैसे कैसे हुई है, उसका वर्णन है। और अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो एक अलग प्रसंग आएगा हमारे सामने, लेकिन हम लोग कल की चर्चा में कुछ चिंतन कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ऐसे करके बताएंगे जिसे ज्ञान होगा, ठीक है। मैं अलग अलग नहीं पूछूँगा, जिसे याद हो ऐसे हाथ उंगली खड़ा करेगा। हम लोगों ने सुना था कि हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, किसे मालूम है? ज्ञान इंद्रियां भी आप हाथ सब लोग खड़ा करेंगे तो पता लगेगा ना, तुम्हें नहीं मालूम? कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं, मालूम है तुम्हें? मालूम है, बोलो जोर से। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ चलिए, आपको मालूम है पांचों कर्म इंद्रियां? ये पेट, पेट ये शब्द क्या है? देखो जी हाँ, कर्म इंद्रियां जो कर्म करती हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता। मैंने और सुविधा कर दी बतलाने में, जिह्वा को ज्ञान नहीं होता है, उसमें जो नमक डालो पता नहीं लगता उसको। राकेश जी फटाफट बोलो। देखिए हमें यूं ही हम लोग अपना समय क्या करते हुए बिताते हैं समझ नहीं आता। मेरे को जब पहली बार भगवान गुरुदेव की कृपा से, पहली बार जब मैं चंडीगढ़ मठ में इस विषय को पहली बार सुना था ना, इतना इंटरेस्ट हुआ मुझे, अच्छा इसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, अच्छा ऐसा उत्पन्न हुआ था। कर्म इंद्रियां जिसको कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियां इसका मतलब जिससे कर्म करते ज्ञान नहीं होता, ऐसे कैसे होता कर्म करता ज्ञान नहीं होता, ये ऐसे प्रश्न जगे। केवल यही नहीं कि इससे कुछ नहीं आगे, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, वो ये वो, ये मजाक नहीं। केवल किसी विषय को समझने का प्रयास किया करें, हर शास्त्र की बात को मजाक में मत उड़ा दिया करें। अब आपको पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां नहीं पता, ठीक है। पंच तत्व कौन से हैं? पंचतत्व ज्ञान इंद्रियां, पंचतत्व ज्ञान इंद्रियां, पंच तत्व के बाद पूछ रहा हूं। मेरे पास ये डंडा है, मैं इससे पीटूं क्या आप लोगों को? है मालूम है? ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, अग्नि क्या किस तत्व में होती है? अग्नि का परिचय क्या है? प्रकाश और
हाँ जी बोलो शास्त्री जी, अग्नि का क्या तत्व है? अग्नि का सबसे प्रमुख जलना, जलाना, इससे भी प्रमुख उष्णता, ये वो तो जलना जलाना में आ गया, प्रकाश ठीक है, उससे भी और तीव्र और बिल्कुल सटीक, जिसमें रोशनी भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है लेकिन वो है, जिसके नहीं रहने से वो दिखाई नहीं देगा। अब मैंने और क्लियर कर दिया, दृश्य, क्या दृश्य, जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वो दिखलाई देने का कारण ही एक है, उसमें आग है। आग नहीं होगी तो वो दिखलाई, हवा में आग नहीं है, हवा में आग नहीं है, जैसे ही हवा में आग लगी तभी हम कहेंगे आग है, दिखाई देगी जब तब हम क्या कहेंगे आग, अगर दिखाई नहीं दे रही है तो क्या है हवा। शाम बात को समझ रहे हैं? आकाश, आकाश का मतलब हमने क्या सुना था, शून्य, ठीक है, अंतरिक्ष जिसमें कुछ भी नहीं है। प्रश्न है, अगर आकाश में कुछ भी नहीं है तो सारे ब्रह्मांड किसमें हैं, सारे नक्षत्र तारे किसमें हैं, आकाश में तो हैं। सारे नक्षत्र तारों में आकाश है कि नहीं है? सारे नक्षत्र तारे आकाश में हैं, और सब में आकाश है कि नहीं है? है ना? बात को मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुना करें, समझा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आकाश में कुछ भी नहीं है ये बात कैसे समझेंगे जी? मैं आपको इसका एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये गिलास है, कांच का गिलास, ध्यान दीजिएगा, इस कांच के गिलास में आपको कांच के गिलास में पानी नजर आ रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्या गिलास में पानी है? क्या गिलास में, ये गिलास है, पानी है? ध्यान से सुनिएगा, मैंने गिलास जो है वो इसको दिखलाया है, इसे दिखलाया गिलास। क्या गिलास में पानी है? जवाब दीजिए। गिलास में पानी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? गिलास में पात्र में रखा हुआ है, लेकिन गिलास जो है उसमें तो पानी नहीं है ना? ये बात आप कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सही, गिलास में पानी नहीं है लेकिन गिलास में पानी दिख रहा है ना, वो गिलास में दिखने वाला पानी गिलास के अंदर नहीं है। अच्छा चलो, पानी में हीरे पड़े हैं, ग्लास के टुकड़े पड़े हैं, कांच के टुकड़े पड़े, पानी में कांच के टुकड़े हैं कि नहीं? फटाफट बोलो, समय मत बर्बाद करो, बोलना है, सिर नहीं लाना है। पानी में नहीं है, पानी में नहीं है, पानी में होते हुए भी पानी में नहीं है, कांच को जो अलग से निकाल लोगे तो कांच को पानी में होते हुए भी नहीं है। अब बताइए, देखिए कितना विचित्र है ना ये प्रश्न। प्रभु जी आप बैठ जाइए ना, कुर्सी में बैठ जाओ, आप बात को देखिए ध्यान से समझिएगा, ये शब्दों का हेर फेर नहीं है,
यही है वेदांत, यही वेदांत, इसे कहते हैं वेदांत, अर्थात वेदों का सूत्र है ये। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान। वेदांत मतलब वेदों की शुरुआत, अर्थात हमारे इस जड़ जगत से जहां पर हम शुरुआत करेंगे उसे कहते अंत, मतलब संसार का अंत और वेद की शुरुआत, यह है वेदांत। मतलब जो हमने सीखा था, जो हमने समझा था, उसका अंत हो गया जहां। वेद मतलब ज्ञान, जहां पे ज्ञान का, संसारी ज्ञान का अंत हो जाए उसे कहते हैं वेदांत। क्योंकि उस वेदांत का प्रथम सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा, जहां पे जिज्ञासा है, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, जहां जिज्ञासा है वहां अंत तो शब्द लग नहीं सकता। तो अंत का क्यों लगा? अंत इसलिए लगा, कहते अथा अतो, अब तक जो तुमने किया था उसको अथा समाप्त कर दो, अर्थात वह ज्ञान जो तुमने प्राप्त किया था उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि उसका अंत होने के बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा दोबारा से, ये कांच के टुकड़े, ठीक है, कांच के टुकड़ों में पानी नहीं है, ठीक, पानी में कांच के टुकड़े दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन पानी में, ये पानी में कांच का टुकड़ा नहीं है, जो दिख रहा है वो वास्तविकता में नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो वास्तविकता में है। ये शब्दों का हेर फेर नहीं है, ये यही ज्ञान है। मतलब हम ये सोचते हैं जहां हमारी समझ में नहीं आ रहा वो सब फालतू की बातें, ना, अब हम सभी तत्वों को अलग कर रहे हैं। ये ग्लास को भी हमने अलग कर दिया, ओ सॉरी, ये ग्लास को भी अलग कर दिया, इस ग्लास में पानी था ही नहीं, क्योंकि ग्लास जो है वो कांच का बना हुआ, इसमें पानी था ही नहीं, इसमें पानी की सत्ता है ही नहीं। पानी की सत्ता नहीं है क्या उसमें? नहीं होने से, सोचने वाली बात है, नहीं होने से वो दिखलाई कैसे दे रहा है? पानी की सत्ता उसमें है, उसके अंदर जितनी पानी की सत्ता है उसको हम इन आंखों से देख नहीं पाते। जब वही मेल्ट होता है, जब वही कांच मेल्ट होता है, जब द्रव्य बन जाता है, पिघल जाता है, तब तो उसका जो पानी वाला जो भाव है ना, तरलता, पानी का जो गुण है क्या है? तरलता, वो उसमें नजर आती है, उसी कांच में नजर आने लगती है। आप लोगों को एक कलर आता है, मिलता है, जिसको कि ग्लास कलर बोलते हैं, उसको ग्लास पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है, वो ग्लास का ही एक अंश होता है, लेकिन वो पानी युक्त होने से लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे उसको लगाते हैं तो वो ग्लास ग्लास की तरह ही बन जाता है। ध्यान देने वाली बात है, उसमें लिक्विडिटी जब खत्म हो जाती है तो वो पाषाण का रूप धारण करता है। ये ग्लास इस वक्त क्या है? पाषाण है, इसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन ग्लास के अंदर जो दिखने वाला पानी है, जो दिखने वाला पानी है, इसके अंदर, इस पानी के अंदर ग्लास नहीं है, इस पानी के अंदर ग्लास के जो टुकड़े हैं कांच वो भी नहीं है, क्योंकि जल तत्व पूरी तरह अलग है पृथ्वी से, जल तत्व पृथ्वी से पूरी तरह अलग है। इस बात को समझना जरूरी है, जल तत्व में पृथ्वी नहीं है, और ये ग्लास किसका अंश है जी? कांच किसका अंश है? पृथ्वी का। कांच किसका अंश है? पृथ्वी में जल हो सकता है, लेकिन जल में पृथ्वी नहीं है, ये बात पूरी तरह दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो अग्नि, हम बात कर रहे थे अग्नि की, अग्नि में रूप है, अग्नि से रूप है, अग्नि के द्वारा देख सकते हैं रूप है, अब अग्नि ही रूप को दिखने दिखाने वाला तत्व है। जिस भी तत्व को हम देख रहे हैं इस संसार में, कुछ भी दिखाई दे रहा है,
उसमें अग्नि है, मात्रा कितनी है ये अलग बात है। जैसे ये लकड़ी दिखाई दे रही, इसमें आग है, है दिख नहीं रही है। आग की मात्रा इसमें ज्यादा है पत्थर से ज्यादा इसमें है। पत्थर में आग होती है? हाँ होती है। पहले पत्थर से ही आग जलाते थे मार मार के लोग, है ना। आज भी माचिस जो है पत्थर का काम होता है। आज वो लोहे जो लाइटर है उसके अंदर कटक कटक करके जो दो पत्थर के एक सॉलिड आकार के जो तत्व हैं जिसको हम धातु कहते हैं, उन धातुओं के टक्कर लगने से उसमें से करंट निकलता है। तो विषय पे वापस आते हैं, अग्नि जहाँ भी है उसे क्या कहेंगे? रूप का अधिष्ठात्री देवता। क्या कहेंगे? अधिष्ठात्री ना कहें, उस रूप का कारण, रूप जो भी दिखाई देता है वो अग्नि के कारण दिखाई देता है। अच्छा, ये होती है बात। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो सिंपली आप लोगों ने ऐसा ही बताना है, फलाने का गुण ये है, फलाने का गुण ये। पृथ्वी का क्या गुण बताया था मैंने? पृथ्वी का क्या गुण बताया था? क्या बताया था? गंध, दुर्गंध, सुगंध, है ना। तो दुर्गंध और सुगंध जो हमने पृथ्वी का सुना था उसमें एक उदाहरण दिया था मैंने कि जिससे कि हम लोग सुगंध को क्या सोचते हैं? हवा, है ना। दुर्गंध को क्या समझते हैं? हवा। लेकिन मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था जिसमें हवा अलग हो जाती है और पृथ्वी का अंश अलग हो जाता है। क्या उदाहरण दिया था? क्या दिया था जी? आजकल क्या चल रहा है? आजकल नकाब लगा रहे हैं ना, मास्क लगा रहे हैं। अच्छे ढंग से बंद कर लिया जाए मुंह को तो क्या बदबू आती है बाहर की? इसका मतलब जो सुगंध जहां दुर्गंध आ रही है वो बहुत मोटी है, बहुत मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी है उस हवा से। कि जो हवा तो हम क्लियरली ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उस हवा से बहुत मोटी है वो जो हमको सुगंध और दुर्गंध है। जैसी दुर्गंध आती हम लोग ऐसे करते हैं, उसमें भी हवा जा रही है। लेकिन ये बात को समझिए, इतनी थोड़ी थोड़ी सूक्ष्मता में आप जाइए और आपको बहुत आनंद आएगा। अच्छा, जल का क्या गुण है? बोलिए बोलिए। हाँ जी, जोर से बोला करो, सुनाई नहीं देता। आप अपने कान, आपके ज़्यादा जोर से सुनते होंगे, मेरे कानों को क्या किसी को भी नहीं सुनाई देता। आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि कोई आप फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो। थोड़ा ज़ोर से बोला करें। रस, जल का गुण क्या है, जल की खासियत क्या है? जल का होता है रस, ठीक है ना। अगर रस को जल से अलग कर दें, ऐसा हो सकता है? रस क्या जल से अलग हो सकता है? कभी कभी होता देखा है? देखा, उसमें रस अलग नहीं होगा ना। रस तो रस नहीं अलग होगा। आप रस का मतलब क्या सोच रहे हैं? नमक, मीठा, ये सब। रस का मतलब रस, जब हम गर्म करते हैं ना, वाष्प में भी जल दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, वाष्प में भी जल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वाष्प नहीं बनता है। वो कौन सी स्थिति होती है? थोड़ी सी गर्मी। जैसे आजकल हमें गर्मी आ गई तो हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस में से ऐसे हवा नहीं बन, ऐसा वो वाष्प नहीं बनता, है ना। ठंडियां ज्यादा होती हैं तो थोड़ा सा सांस भी लेते हैं, ऐसे दूर से लगता है कोई। हाँ, उसमें रस नहीं होता। वो मैं आगे जा रहा हूँ, उसके आगे चल रहे हैं। जहां पे वो वाष्प वाली स्थिति में आया, जल से हमने रस अलग कर दिया,
जल के अंदर से जो रस है, रस को अलग कर दिया, से उसे तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ, उसके अंदर से हवा हवाई हो गई, गायब हो गई, और अग्नि तत्व अग्नि में चला गया। ये दोनों तत्व अलग होने से जल तो है, जल तो है, मगर हमें दिखाई, क्योंकि वो रस के रूप में नहीं है। समझे नहीं बात को, वो रस के रूप में, जब वो रस के रूप में होगा तभी उसे जल कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ एक मशीन अंदर लगी हुई है, आजकल थोड़ा देरी से भरता है पानी, नॉर्मली 6 घंटे में 6 लीटर पानी भर जाता था, 6-7 घंटे में। ओ आरती का समय हो रहा बाबू, मुझे बताओ यार, मैं तो भूल ही गया था। तो आज विषय को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 गुण हैं, मैं आपको कल के लिए आपको अभ्यास दे रहा हूँ, याद करके आना। 5 गुण हैं 5 तत्वों के, और यही गुण मैं रिवीजन दे रहा हूँ, याद रखिए, यही गुण ही हमारी 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, और ये 5 इंद्रियाँ इन्हीं गुणों के पीछे भागती हैं, और इन इंद्रियों का विशेष गुण ये है कि ये कर्म इंद्रियों को उसके लिए दौड़ाती हैं। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की, गीता उपनिषद की, वंश वैष्णव भयो नमो।